बीजेपी है जो ओबीसी हितों का सबसे ज्यादा ध्यान रखती है, उन्हें सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देती है। बीजेपी का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व मिलता रहे। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और हमें सेवा करने का मौका मिला तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को हमने देश का राष्ट्रपति बनाया। 1996 में जब आदिवासी नेता पीएस संगमा जी का नाम लोकसभा के स्पीकर पद के लिए चुना गया तो अटल जी ने समर्थन का नेतृत्व किया। 2012 में राष्ट्रपति चुनाव में भी बीजेपी ने पीएस संगमा जी के नाम का समर्थन किया। एनडीए ने ही जीएमसी बाल योगी जी को स्पीकर पद के लिए नामित किया था, जो देश के पहले दलित लोकसभा अध्यक्ष बने थे। जब बीजेपी को अवसर मिला तो उसने दलित समुदाय से रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया। जब बीजेपी को मौका मिला तो उसने आदिवासी समुदाय से द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। और यही मैदान है जिसने आदेश दिया था आप लोगों ने, और जब पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिला और देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बनाने का आपने मुझे अवसर देकर के एक ओबीसी का सम्मान किया था। और जैसे इसी मैदान से पूर्ण बहुमत वाली सरकार का ओबीसी प्रधानमंत्री पहली बार बना, पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बीजेपी का सीएम भी ओबीसी पहली बार यहां बनने वाला है। परिवारवादी पार्टियां कभी किसी दलित, किसी पिछड़े, किसी आदिवासी को आगे नहीं बढ़ने देती, जबकि आज भाजपा देश की एकमात्र पार्टी है जो ओबीसी समुदाय को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देती है। केंद्र की एनडीए सरकार में 27 ओबीसी मंत्री है, जो अब आजादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में ओबीसी मंत्री केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। आज देश में बीजेपी के 85 ओबीसी एमपी है। आज देश में बीजेपी के 365 ओबीसी विधानसभा सदस्य है। आज देश में बीजेपी के 65 ओबीसी विधान परिषद सदस्य है। तेलंगाना में भी बीजेपी अपने बीसी साथियों के हितों का सबसे ज्यादा ख्याल रख सकती है, कोई और पार्टी नहीं कर सकती। आप लोग खुद साक्षी हैं कि यहां तेलंगाना में बैकवर्ड क्लास को आगे बढ़ने के लिए सही संसाधन नहीं दिए जाते। बैकवर्ड क्लास के युवाओं को नौकरी देने में भी तेलंगाना सरकार गंभीर नहीं है। बैकवर्ड क्लास के युवाओं का भी स्किल डेवलपमेंट हो, इस पर भी तेलंगाना सरकार उतना ध्यान नहीं देती। बीसी कल्याण के लिए यहां बीआरएस ने हर साल 1000 करोड़ रुपए का फंड देने का वादा किया था। आप बताइए क्या इनमें से किसी वादे को पूरा किया? क्या कोई वादा पूरा किया? क्या एक भी वादा पूरा किया? क्या
साथियों, कांग्रेस और बीआरएस ने कभी भी पिछड़ा वर्ग को निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया, कभी उनका मान नहीं बढ़ाया। ये भाजपा है जिसने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। ये भाजपा ही है जिसने ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल को सदन से पास कराया। इस बिल की वजह से राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिला है। ये भाजपा ही है जिसने मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन को लागू किया। हमारी ये कदम सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की दिशा में हमारे कमिटमेंट के प्रमाण है। जब हम गांवों में महिलाओं के सम्मान के लिए करोड़ों शौचालय बनवाते हैं, जब हम करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाते हैं, जब करोड़ों गरीबों को अपना पक्का घर मिलता है, जब करोड़ों गरीबों तक पक्की सड़कें पहुंचती है, जब करोड़ों लोगों को 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की गारंटी मिलती है, तो इसका बहुत बड़ा लाभ बैकवर्ड कम्युनिटी को ही मिलता है। समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने, सम्मान के साथ जीने और न्याय पाने का अवसर मिले, यही भाजपा का प्रयास है। इसलिए आज बीसी, एएससी, एसटी, गरीब, वंचित, शोषित वर्ग का हर व्यक्ति भाजपा के संकल्प के साथ खड़ा है। साथियों, हमारे बीसी समुदाय में बहुत बड़ी संख्या में विश्वकर्मा भाई बहन भी आते हैं। विश्वकर्मा साथियों के बिना रोजमर्रा का जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमारे कुम्हार हो, सुनार हो, सुथार हो, मूर्तिकार हो, कपड़े धोने वाले हो, कपड़े सिलने वाले हो, जूते बनाने वाले हो, बाल काटने वाले हो, ऐसे बहुत से साथी बीसी समुदाय से ही आते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही भाजपा सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई है। इस योजना के तहत हमारे विश्वकर्मा भाइयों बहनों पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे उन्हें अपना जीवन स्तर उठाने में, अपने जीवन से अन्य परेशानियां दूर करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ना कुटुंब सभ्य ला रहा, कहते हैं अहंकार किसी का भी हो उसको टिकने नहीं देता है। बीआरएस के नेताओं में भी वही अहंकार दिखता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना के लोगों ने ऐसे अहंकारी सीएम को अपने वोट की ताकत से जवाब दिया था। इसी बौखलाहट में यहां के नेता मोदी को गाली देते रहते हैं। बीआरएस के भ्रष्टाचार के तार दिल्ली के शराब घोटाले से भी जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसियों ने जब उनके भ्रष्टाचार की जांच शुरू की तो ये लोग जांच एजेंसियों को भी गालियां देने लगे हैं। लेकिन आज
मैं ऐसे लोगों को डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होके रहेगी। जिन्होंने जनता को लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। और मेरे तेलंगाना के भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बीआरएस और कांग्रेस अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के की दो बाजू है। कांग्रेस ने 7 दशक में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का जो मॉडल डेवलप किया, बीआरएस उसी पर चल रही है। दोनों की मंशा मिलकर राज्य की संपत्ति को लूटने की है। ये दोनों पार्टियां अपने